देख रहे हो कावासाकी। भाई मुझे फाइट हो गई भाई, ये तो भाई शुरू शुरू में एक झगड़ा हो गया भाई, आपस दो टक्कर खा के गिर गए और पुलिस सामने भाई फाइट शुरू हो गया भाई, गट चाहिए। तो ये सब गाइस कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल। मैं आपका दोस्त आशुतोष सिंह स्वागत करता हूं हमारे और आपके अपने चैनल गार्थियन राइडर पर। तो भाई लोग अभी मेरा आज मूड हो गया ना कि रात को करते हैं राइड, तो अभी मैं निकल चुका हूँ बाबूपुर वाले हाईवे पर, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी लाइट्स पर लगी पड़ी हैं, रात में देखने में अच्छी भी लगती है, तो सोचा क्यों ना इसी रास्ते पर चला जाए। तो हम निकल चुके हैं और 7:30 हो रहा होगा इस वक्त, तो चलते हैं छोटी सी राइड पे और उसके बाद फिर घूम फिर के वापस आते हैं। तो अभी मैं हूँ श्योपुर बाईपास पर और यहाँ से निकल चुका हूँ। सच बताऊँ तो काफ़ी दिन राइड कर नहीं पाता, मन बड़ा बेचैन था भाई राइड करने के लिए, और आज निकल चुका हूँ और ठंड वंड भाई स्टार्टों की पड़ने के लिए, इसमें मैंने अंदर एक पतला सा स्वेट टी शर्ट पहन लिया है जो हल्का सा मतलब थोड़ा सा गर्म तो गर्म करेगा ही मुझे अंदर से। और फिर बताइए आप लोग कैसा चला है, सब बढ़िया? आई हो आप सब बढ़िया ही होंगे। यार आपने वर्ल्ड कप देखा भाई? यार सच बताऊँ मैं काफ़ी समय से मैच देखना छोड़ दिया था, लिटरली बता रहा हूँ। जैसे धोनी युवराज सिंह ये सब मेरे फेवरेट प्लेयर्स थे, इन्होंने छोड़ा मैच ना, मैंने मैच देखना ही छोड़ दिया था। लेकिन भाई इस बार अपनी टीम इंडिया ने भाई गजब परफॉर्म किया, भाई गजब परफॉर्म किया। तो लिटरली बताऊँ तो मुझे फिर से मजबूर कर दिया कि मैं मैच देखना स्टार्ट कर दूँ, और मैंने मैच देखना शुरू कर दिया। अब ये तक मेरी हमारी टीम इतनी अच्छा परफॉर्म कर रही है भाई, फाइनल तो अपना ही है और वर्ल्ड कप भी अपना ही है, लेकिन क्या बताएं भाई, लोगों की नज़रें भी बहुत गंदी होती है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई कि हमारी टीम भाई, उम्मीद नहीं था कि हमारी टीम हारेगी इतनी आसानी से, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इस बात खुशी है। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया वालों ने भाई थोड़ी सी चीटिंग तो करी है उन्होंने, मतलब देखा जाए तो रोहित शर्मा कैच नहीं था, फिर भी उन्होंने कैच आउट जो है उन्होंने दे दिया, एक बार उन्होंने चेक भी नहीं किया यार। और सबसे बेहतरीन बात, जिसने कैच पकड़ा हेड ने, उसने बंदे नहीं बताया भाई कि वो कैच नहीं था क्लियर, तो भाई ये चीटिंग हुआ। फिर LBW आउट भी था ऑस्ट्रेलिया का एक बैट्समैन, उन्होंने वो भी नहीं दिया अंपायर ने, तो भाई कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मिल करना हमारे लिए गलत हो गई। कोई बात नहीं, हम जानते हैं हमारी टीम कितनी बेहतरीन है, हमारे प्लेयर्स कितने बेहतरीन है, और इस बार तो भाई 11 के 11 जितने प्लेयर्स थे हमारे, सारे के सारे फॉर्म में थे अपने, तो इस वक्त आप सब बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे थे अपना। भाई बॉलर्स अपना तहलका मचाए पड़े हैं, बैट्समैन अपना तहलका मचाए पड़े हैं, मज़ा आ गया एकदम, लिटरली मज़ा आ गया। तो कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप हम नहीं जीत पाए तो हमारी टीम ने हमारा दिल तो जीत लिया ना। अभी मैंने अपने RC का सर्विस कराया और इस बार सर्विस कॉस्ट बहुत ही कम आया, 3164 यानी 3164 रुपये। और इस सर्विस में हुआ क्या था कि ऑयल फिल्टर चेंज हुआ, एयर फिल्टर चेंज हुआ, इंजन ऑयल चेंज हुआ, और बस इतनी चीज़ें चेंज हुई, और सर्विस कॉस्ट जो लगता है पेड सर्विस का वो इस साइज से मिला जुला के 3164 रुपये टोटल कॉस्ट आया। और मैंने अपनी RC में एक नया चीज इंस्टॉल कराया, आपने देखा होगा एक रिफ्लेक्टर फॉग के पास लगाया था, BS6 RC जो मेरी मॉडल का BS6 वर्जन आया था, उसमें साइड में ना दोनों सस्पेंशन पे फॉग्स लगे पड़े थे, मतलब कि रिफ्लेक्टर्स लगे हुए थे भाई। इस बार मैंने वो भी इंस्टॉल करा लिया, मैं जब लग सकता है तो फिर क्यों ना लगवाऊँ भाई, वो भी इंस्टॉल करा लिया मैंने, तो अब देखने में अच्छा लग रहा है। हम क्या जब जो चीज़ हो सकता है उसको ऐसे कैसे जाने दूँ, बस हो गया। और देखने में भी अब अच्छा लग रहा है यार, लग रहा है कि हाँ मतलब कुछ अच्छा लग रहा है। ये फोर्स का जो टूरिस्ट बस है ना, लिटरली गाइस मुझे बहुत पसंद आता है, मैं एक ज़रूर लूँगा और इसको बनवाऊँगा वैनिटी, क्योंकि मुझे वैनिटी का बड़ा शौक है। फोर्स की अर्बानिया है, बहुत ही अच्छे, सच बताऊँ तो टूरिस्ट बस है,
एक तो मैं ज़रूर लूँगा और बनवाऊँगा उसको वैलिडिटी। यहाँ पे एक हनुमान जी का बहुत बड़ी मूर्ति बन रही है, प्रतिमा बन रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। यो हनी सिंह, आई थिंक रात को दिखेगा भी नहीं, इस साइड लेफ्ट में दिखेगा। ओहो ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, यहीं पे अभी अनावरण इसका नहीं हुआ है, ढका हुआ है। तो भाई यहाँ पे है कॉलेज, इस कॉलेज में अपने बेटे का एग्ज़ाम देने आता था, हम सारे फ्रेंड्स बैठते थे भाई, सच बताऊँ हम 4-5 लोग थे सेंटर, मतलब सेंटर पे ना, एग्ज़ाम सेंटर पे एक घंटा पहले पहुँचते थे, आधे घंटे चाय चर्चा और आधे घंटे भाई रिवीजन, उसके बाद जो हुआ देखा जाएगा। अलग ही रुत था, अलग वो अलग ही मज़ा था यार। अब तो जब से बीटेक कंप्लीट हुआ सबके सब जॉब करने चले गए, और मुझे अभी जॉब करने का मन था नहीं इसलिए मैं बनारस में हूँ, लेकिन जल्दी मैं भी अब निकलूँगा क्योंकि बहुत हो चुका मस्ती मजाक। अब समय आ गया है कि थोड़ा एक इंजीनियर का भी टैग ले लूँ, लोग नहीं तो लोग कहेंगे बीटेक करके बैठा हुआ है। हालांकि आपके भाई ने इतना पढ़ाई कर ली है ना यार, कोई उंगली ना उठा सके। अब मैं बताऊँ, मैं अपनी एजुकेशन बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने हाई स्कूल इंटर सब करते मैंने भी किया, उसके बाद मैंने बीएससी करा, उसके बाद मैंने किया बीटेक, समझ रहे हो, उसके बाद मैंने किया बीटेक। तो भाई आपका डबल ग्रेजुएट है, मजाक नहीं है। अब यहाँ से मुड़ते हैं यार, बहुत आगे नहीं जाएंगे, अब मुड़ते हैं यहाँ से। वाह आइए थोड़ा भगाते हैं, भाई 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 कभी कावासाकी, वो कावासाकी का शोरूम बनारस में, ओ तेरी भाई देख रहे हो कावासाकी, गजब यार भाई, कावासाकी का शोरूम बनारस में, ये अभी नया ही खुला है भाई, बहुत सही यार, बहुत सही भाई, देख रहे हो। पता है कावासाकी शोरूम बनारस में था ही नहीं, और था कब, 2010 में, सोचो 2010 के बाद से कावासाकी यहाँ पे उतना बिकी नहीं, तो वो शोरूम 2010-11 में बंद हो गई थी जहाँ तक मुझे पता है। और ये फिर से नया शोरूम खुला यार, यानी कि टोटल लगभग कुछ नहीं तो 10-12 साल बाद कावासाकी शोरूम फिर से बनारस में खुला है, यानी कावासाकी बनारस में फिर से वापस आई है 10-11 सालों के बाद। बाप रे बाप, ओ भाई ये अच्छी बात है यार, सर्विस सेंटर भी नीचे था, गजब गजब गजब, कावासाकी बैक टू वाराणसी, आऊँगा सर इस शोरूम में, मैं जल्दी आऊँगा और देखूँगा कौन कौन सी बाइक्स हैं यहाँ पे, फिर आप लोग को भी दिखाऊँगा, और जितना हो सके आपको जो भी वहाँ बाइक्स हैं उनका मैं आपको डिटेल्ड वीडियो बना के दूँगा। यार मुझे पता नहीं था यार बनारस में शोरूम भी खुला, अगर मैं इधर आज नहीं आता तो पता भी नहीं चलता कि बनारस में कावासाकी शोरूम खुल चुका है, भाई गजब। वाह यार, अब जब ये शोरूम था ना बनारस में, ये 2011 की बात है, 2010-11 में उस वक्त हाई स्कूल का एग्ज़ाम, हाई स्कूल में एडमिशन लिया था क्विंस कॉलेज बनारस में, तब मैं शोरूम देखा था वरुणा पुल पे, जहाँ से मैंने KTM वाली ली थी, सेम शोरूम में KTM से पहले कावासाकी शोरूम था, कावासाकी शोरूम बंद हुआ तो फिर KTM का शोरूम खुला है, ये मतलब वही 11-12 में कावासाकी का बंद हुआ और 14-15 में KTM का शोरूम वहाँ पे खुल गया, सेम शोरूम में था कावासाकी शोरूम, मैंने देखा था, मुझे याद है भाई। एक्चुअली उस वक्त क्या था ना भाई, कावासाकी बाइक आज भी बहुत महंगी है, और उस वक्त पे इतना किसी के पास स्पोर्ट्स वाला, मतलब स्पोर्ट्स बाइक इतना क्रेज़ था नहीं, बहुत इक्का दुक्का लोगों के पास था, और हम जैसे लोगों के पास था, हम लोग बच्चे थे हाई स्कूल में पढ़ने वाले, मतलब 10th में पढ़ने वाले, पसंद तो बाइक बचपन से थी, लेकिन लेने के लिए पॉकेट में पैसा चाहिए, वैसे पॉकेट में पैसा तो अभी भी नहीं है, मम्मी सारा पैसा मेरी बियर करती है, जो भी खर्चा मेरा होता है सारी मम्मी उठाती हैं। तो भाई ये जो आप ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे देखते हो ना, आईफोन कैमरा जैकेट बाइक सब मम्मी ने दिया है भाई, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, सब मेरी मम्मी का देने जो मुझे दिलाती हैं। तो गाइस, तो अपना गोप्रो हो गया था लो, जिस वजह से मुझे घर पे वीडियो एंड करना पड़ रहा है। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा,
और अगर गाइस आपने एंजॉय किया, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल अगार्थियन राइडर। फिर जल्दी ही मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में, तब तक लिए गाइस टाटा बाय बाय।